हेलो स्टूडेंट्स, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में न्यूमेरिकल हम डिस्कस कर रहे थे। स्टार्ट करते हैं अपने नए न्यूमेरिकल के साथ। ये न्यूमेरिकल बुक में नहीं है, राइट? ये न्यूमेरिकल कुछ डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल है। इसके अंदर एक प्रैक्टिकल सिचुएशन गिवन है आपको। क्वेश्चन प्रैक्टिकल सिचुएशन दे के कुछ क्वेश्चंस फर्दर कर रहा है, राइट? क्या है क्वेश्चन? ए स्टूडेंट फोकस द इमेज ऑफ ए कैंडल फ्लेम ऑन अ वाइट स्क्रीन यूजिंग ए कॉन्वैक्स लेंस, राइट? कॉन्वैक्स लेंस हमें पता है कैसा होता है। कॉन्वैक्स लेंस को यूज़ करके ऐसा कुछ होता है, कॉन्वैक्स लेंस, राइट? तो कॉन्वैक्स लेंस को यूज़ करके क्या कर रहा है? कैंडल की इमेज वाइट स्क्रीन पर ऑब्टेन कर रहा है स्टूडेंट, राइट? एक स्टूडेंट है जो किसी फिजिक्स लैब में क्या है, वाइट स्क्रीन एक तरफ है, बीच में लेंस है और इस साइड कॉन्वैक्स ऑब्जेक्ट है, कैंडल, कैंडल, लेंस, स्क्रीन, इस तरीके से है पोजीशंस तीनों चीज़ों की। जैसे सपोज़ ये हमारी कैंडल हो गई यहाँ पे, राइट? बीच में लेंस हो गया, ठीक, और इधर उसकी स्क्रीन हो गई जहाँ पे इमेज बन रही है। ये एक बेंच पे होता है, तीनों का, तीनों चीज़ों का अरेंजमेंट बेंच पे होता है। ये स्टैंड्स होते हैं, एम्प्टी स्टैंड्स। हमें खुद ही लेंस और स्क्रीन और ऑब्जेक्ट की पोजीशन सेट करनी होती है। तो अगर किसी ने देखा हो ये फिजिक्स लैब में बेंच, लेंस, उसके ऊपर स्केल पूरी ड्रॉ होती है, राइट? तो उसी बेंच पे कैंडल की फ्लेम की एक इमेज वाइट स्क्रीन पे ऑब्टेन की है यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस, और उसने पोजीशन ऑफ कैंडल, स्क्रीन और लेंस कुछ नोट किए हैं स्केल के ऊपर जो मार्क्स हैं उसको देख के, राइट? पोजीशन ऑफ कैंडल थी 12 सेंटीमीटर, यानी स्केल के 12 सेंटीमीटर पे रखी है कैंडल। पोजीशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस है 50 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस रखा है स्केल के 50 सेंटीमीटर के मार्क पे, और पोजीशन ऑफ स्क्रीन है 88 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से है, 12 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है हमारी कैंडल, राइट? ये कैंडल हो गई, और 50 सेंटीमीटर पर लेंस है, राइट, और 88 सेंटीमीटर पर स्क्रीन है। इस तरीके से है। तो ये जो है ना, ये स्क्रीन, ये स्केल होती है यहाँ पे, स्केल बेंच पे, स्केल पे मार्क्स होते हैं। मार्क्स पे हम क्या देख लेते हैं, रीडिंग देख लेते हैं कि पोजीशन क्या है। तो ये पोजीशन का कैंडल की पोजीशन 12 सेंटीमीटर पे है, लेंस की पोजीशन 50 और स्क्रीन की 88, इस तरह से है, राइट? क्वेश्चन इज आस्किंग यू व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या है? कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसे बताएंगे? देखो, पहले हम निकाल लेंगे इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर नहीं है, बच्चे यही धोखा करते हैं, गलती यहाँ पे करते हैं। पोजीशन ऑफ कैंडल देगी 12 सेंटीमीटर, लिख दिया यू इक्वल टू 12 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेंस से ऑब्जेक्ट तक की दूरी को कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो 50 माइनस 12 इट इज़ 38, राइट? 38 सेंटीमीटर है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, राइट? ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, 38 सेंटीमीटर। नाउ अब हमें इमेज डिस्टेंस देखना है। इमेज स्क्रीन पे बनेगी कैंडल की, तो इमेज डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक है? इमेज की डिस्टेंस होती है लेंस से, यानी कॉन्वेक्स लेंस से जो इमेज, कैंडल की इमेज है उसकी डिस्टेंस क्या है? तो उसकी डिस्टेंस भी 38 सेंटीमीटर है। अगर आप देख पाए तो 88 माइनस 50 क्या आएगा? 38 ही आएगा, राइट? सो इमेज डिस्टेंस इज ऑल्सो इक्वल टू 38 सेंटीमीटर। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये इस साइड है, वो उस साइड है, तो एक चीज़ नेगेटिव एक पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन अगर हम लगाएं तो इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, मैंने आपको बताया, अभी बताया है क्यों। क्योंकि ये किस साइड लेते हैं हम, ये हम लेते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, हम मेजर करते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, राइट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को। तो ये आ गई हमारे पास -38। अब अगर हम ध्यान दें, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ निकालने का तरीका क्या है? एक तो सीधा सीधा लेंथ फार्मूला लगा दें, कैलकुलेशन करें।
लेकिन वहाँ यहाँ पे लेंस फार्मूला लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इजीली बता सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट से। हमने क्या देखा था, 6 केसेस में हमने 6 केसेस स्टडी किए थे, डिफरेंट केसेस, जब ऑब्जेक्ट की डिफरेंट पोजीशंस पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इमेज बन रही थी, इमेज की पोजीशन, नेचर और साइज चेंज हो रहा था। तो ऐसी कौन सी ऑब्जेक्ट की पोजीशन थी जिस ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे इमेज सेम साइज़ की बन रही थी और सेम डिस्टेंस पे बन रही थी दूसरी साइड। एक हमने केस ऐसा डिस्कस किया था 2F पे बन रही थी, राइट। हम लिख सकते हैं यहाँ पे, सिंस यू इज इक्वल टू वी देयर फोर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2F, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2F डैश, 2F डैश पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट, राइट। सो F कितनी दूर होगा, अगर 2F पे रखा है तो 2F कितनी दूर है, 38 सेंटीमीटर दूर है। तो F कितनी दूर होगा, इसका हाफ, इसका हाफ कितना होगा, 19 सेंटीमीटर होगा इसका हाफ, इसका हाफ कितना होगा, 19 सेंटीमीटर। हैंस फोकल लेंथ स्मॉल एफ जो आएगा वो कितना आएगा, -38/2, या फिर 38/2 ले लो, क्योंकि उस साइड होगा फोकल लेंथ, फोकस इसका जो है ना इस साइड होगा। तो साइन कन्वेंशन लगा के हमारी फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी, सो इट इज़ इक्वल टू व्हाट, 219 सेंटीमीटर। यानी फोकल लेंथ ऑफ दी कॉन्वेक्स लेंस कितनी है, वो 19 सेंटीमीटर है। हमें इसका आंसर मिल गया, व्हाट इज़ द फोकल लेंथ। देखो यहाँ पे हमने लेंस फार्मूला यूज़ ही नहीं किया, क्यों नहीं किया, हम कॉन्सेप्ट से बता रहे हैं। कॉन्सेप्ट कौन सा, जो छः छः केसेस थे, पोजिशन ऑफ इमेज वर्सेस पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। जो हम पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पोजिशन ऑफ इमेज बताते हैं, नेचर ऑफ इमेज बताते हैं, वो छः पोजिशन जो है, एक इनफाइनाइट पे, एक 2F से पहले, फिर 2F पे, 2F और F के बीच में, फिर F डैश पे, फिर उसके बाद F डैश और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो 2F डैश पे जब ऑब्जेक्ट आता है तो इमेज कहाँ बनती है, 2F पे बनती है, मतलब सेम डिस्टेंस दूसरी साइड पे बनती है, मतलब अदर अदर साइड पे। तो वो क्या है पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन है कितनी, 2F, 2F डैश। तो F डैश कितनी दूर होगा, 2F डैश अगर 38 सेंटीमीटर दूर है तो F डैश 19 सेंटीमीटर होगा, तो फोकल लेंथ आ गई 19 सेंटीमीटर पॉजिटिव, राइट। V बाई टू किया हमने, ये V बाई टू, ठीक है, पहले का आंसर मिल गया। सेकंड क्या है, वेयर विल द इमेज बी फॉर्म इफ ही शिफ्ट द कैंडल टुवर्ड्स द लेंस एट अ पोजिशन ऑफ 31 सेंटीमीटर। अगर इसको फर्दर शिफ्ट किया जाए, राइट, फर्दर शिफ्ट कहाँ किया जाए, 31 सेंटीमीटर पे किया जाए टुवर्ड्स द लेंस, यानी कैंडल को हमने इधर शिफ्ट किया 31 पे। जब हमने 31 पे कर दिया तो इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये तो पहले का हो गया। सेकंड का आंसर क्या है, देखो सेकंड में अगर हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 50 - 31, क्योंकि ये 31 पे ले आया, अब क्या कह रहा है, 31 सेंटीमीटर पर अगर हम शिफ्ट कर दें ऑब्जेक्ट को तो कैसी होगी, वेयर कहाँ बनेगी इमेज, वेयर वेयर विल द इमेज बी फॉर्म्ड। तो इसमें क्या आएगा, यहाँ पे 19 सेंटीमीटर आ गया क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, 19 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब फोकस पे आ गया, फोकस, फोकल लेंथ कितनी, 19, यानी प्रिंसिपल फोकस कहाँ बनेगा, एफ 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 कहाँ पे, एफ डैश है 19 सेंटीमीटर पे, -19 पे एफ डैश और +19 पे एफ। तो -19 पे अगर हम रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, राइट, -19 पे अगर हम रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, तो -19 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखने पे क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, दूसरी साइड इमेज बनेगी, कहाँ पे बनेगी, फोकस पे आने के बाद इमेज कहाँ जाती है, इनफाइनाइट, इन्फिनिटी पे जाती है। सो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट, सिंस ऑब्जेक्ट इज नाउ प्लेस्ड एट 19 सेंटीमीटर इक्वल टू, ये -19 क्या है, एट एफ डैश, देयर फोर इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, ठीक है भाई। तो ये अब इसके आगे क्या बोल रहा है, वॉट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज इफ ही फर्दर शिफ्ट द कैंडल टूवर्ड्स द लेंथ। अगर और आगे कर दिया जाए तो
तो जब हम और आगे करेंगे यानी कि हम 31 सेंटीमीटर से भी आगे जाएंगे तो फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाएगा, फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। मैं यहाँ छोटा सा रे डायग्राम बना रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखेंगे। ये ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है, यहाँ पे F डैश है, ये है 19 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहाँ पर 2F डैश है। ये 2F डैश कितना है? ये 2F डैश है हमारा, थोड़ा मिटा दो इसे, इसकी ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन मिटाया, ठीक है। ये 19 का ट्वाइस कितना होगा? -38 सेंटीमीटर, ये 38 सेंटीमीटर अवे है, राइट। नाउ अगर हमने इसे 31 के मार्क से और आगे शिफ्ट किया, इसे 31 पे ले आए थे ना हम शिफ्ट करके, 31 से और आगे शिफ्ट किया तो क्या होगा? तो ये बीच में आ जाएगा, एफ डैश और ओ के बीच में। जब एफ डैश और ओ के बीच में आएगा तो ऐसी कुछ इमेज बनेगी जो हमने देखी थी वर्चुअल, यहाँ आएगी आएगी इमेज पीछे, है ना, यहाँ से देखने पे। अगर हम यहाँ से देखते हैं अगर हम यहाँ से देखते हैं तो ऐसे कन्वर्ज होंगी पीछे की तरफ एक्सटेंड करने पर लाइट रेस, क्योंकि आगे की तरफ क्या हो रही, डाइवर्ज। तो ये पीछे की तरफ कहीं इंटरसेक्ट करती हुई नज़र आएंगी यहाँ से देखने पे, तो यहाँ पे ए डैश बी डैश हमारा क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगी इस छोटे से ऑब्जेक्ट की। ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा था एफ डैश ओ के बीच में, ए बी ऑब्जेक्ट, राइट। तो मैंने ये रे डायग्राम भी बना दिया यहाँ पे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज? तो नेचर क्या हो जाएगा भाई, वर्चुअल दिख रहा है यहाँ पे, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्या हो जाएगा इसका आंसर? वर्चुअल इसका आंसर है, इसका आंसर है वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, नेचर ये हो जाएगा। लास्ट कह रहा है पार्ट, ड्रॉ द रे डायग्राम, यही यही ड्रॉ करना था, ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन केस नंबर 3 अबव। केस नंबर 3 यही है, मतलब आप शिफ्ट कर रहे हैं आगे, फोकस से भी आगे जा रहे हैं, एफ डैश से भी आगे जा रहे हैं, तो एफ डैश और ओ के बीच में जब ऑब्जेक्ट आ रहा है तो इमेज जो बन रही है उसका रे डायग्राम, मतलब ये रे डायग्राम बनाने के लिए बोल रहा है, वाला पार्ट 4, राइट। तो हमने ये रे डायग्राम बना ही दिया ऑलरेडी, ये रे डायग्राम इसका आंसर है। तो अगर इसका एक नंबर माना जाए और इसका एक नंबर माना जाए और इसका एक नंबर माना जाए आंसर का, और इसके दो नंबर माने जाए, तो ये वाला क्वेश्चन 5 मार्क क्वेश्चन हो गया है, राइट। तो 4 और 5 मार्क्स में ये इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में आता है, इसमें डायरेक्ट मतलब कॉन्सेप्ट लगता है, फॉर्मूला लगने के बाद कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी कैलकुलेशन इसके अंदर नहीं चाहिए होती है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो 6 पोजीशंस हमने देखी हैं कॉनकेव मिरर में, ऑब्जेक्ट की कॉनकेव मिरर के सामने, उन पोजिशंस पे नेचर टाइप एंड साइज ऑफ इमेज हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम इजीली इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं इस तरीके के, आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। और इसकी प्रैक्टिस के लिए आप फर्दर रेफरेंस बुक्स के अंदर जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो कर सकते हैं प्रैक्टिस, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कोई दिक्कत है तो। आज के लिए इतना ही।